हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग जी सभी को। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के बज रहे होंगे 8 या फिर 8:15 क्यों ना बज रहे हों। मैं कर रही हूँ यस्सू के लंच बॉक्स की तैयारी। तो यहाँ पर मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, सब्जी जो मैंने कट कर ली है, गोभी, गाजर, आलू, मटर, टमाटर सारी, और लहसुन प्याज मिर्ची कट कर लिए हैं अलग से प्लेट में। कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, ऑयल डाल दिया है, गरम हो गया है, हींग जीरा डाल दिया है कढ़ाई में, और अब ये डाल देंगे कटे हुए लहसुन प्याज मिर्ची। तो इनको भी हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद मैं कटी हुई सब्जियाँ डाल दूँगी सारी, जो मैंने काटने से पहले भी धुल ली थी और काटने से काट कर भी पानी में छोड़ रखी हैं, और गोभी को मैंने हल्के गुनगुने पानी में काट कर रखा हुआ है, ज़रा सा हल्दी डालकर। और इस गिलास में मैं सारे सूखे मसाले डाल रही हूँ और ये पानी में घोल कर फिर डालूँगी, तो इससे मतलब सब्ज़ी में कलर अच्छा आता है। और ये हमारे लहसुन प्याज सिक चुके थे तो इसमें मैंने डाल दिए हैं सारे सूखे मसाले जो पानी में घोले थे, तो अभी इनको भी थोड़ा सा सेक लेंगे, उसके बाद में डालेंगे कटी हुई सब्जियाँ। और मैं यीशु से बात कर रही थी यहाँ पे, वही था इधर खड़ा हुआ था, और बस उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी और रोटियां बना दूंगी। और ये देखिए सब्जी मैंने कट करके रखी हुई है। मेरी आदत ही है, मैं सब्जी को धुल लेती हूँ फिर भी मैं पानी में ही कट करके छोड़ती हूँ, पता नहीं मेरी ऐसी ही आदत है। तो अभी ये हमारा मसाला सिक चुका है तो इसमें सब्जियां डाल देते हैं। और ये मैं सूरज दिखा रही थी आपको, ये मेरी रसोई की खिड़की में से मतलब सूरज की किरणें अच्छे से आती हैं, एकदम चमकती हुई अच्छी रहती हैं ऐसे। और ये आटा लगा रही हूँ मैं यहाँ पे यीशु के लिए, रोटी बनाऊँगी, ज़्यादातर रोटी ही बना के देती हूँ मैं, पराठे वगैरह कम ही खाता है यीशु इसलिए। और बस अभी मैं आटा लगा देती हूँ, उसके बाद रोटी सेक लूँगी। और मॉर्निंग का काम, झाड़ू लगा दिया था मैंने पूरे घर में और पानी भर लिया था जो ताज़ा पानी आता है वो, और बर्तन वगैरह पड़े हैं सिंक में, और बाद बाकी ये सारा काम यही पड़ा हुआ है। तो अभी सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर लगूँगी मैं मेरे काम में, ये सूखा काम करके फ्री होकर के ये आराम से तो कर लेंगे, कोई नहीं। और धूप अच्छी खासी निकली हुई थी इस टाइम पे, धूप आजकल वैसे निकल ही जाती है अच्छी, और हमारे किचन में तो उगते ही मतलब सूरज और धूप आ जाती है, देखिए कितनी लाइट हो रखी है किचन में। और ये सारा कचरा था सब्जी का तो ये मैं डाल रही हूँ डस्टबिन में, जो बाद में मैं बाहर डाली आऊँगी, गाय वगैरह रहते हैं बाहर तो वो खा लेती हैं। और बस ये पानी हो जाता है थोड़ा बहुत तो उसको भी मैं वाइपर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब सुहाता नहीं है तो इसलिए। और ये उसका नारियल का तेल है तो ये मतलब जम जाता है सर्दियों में, तो ये गर्म करवाया था मैंने यीशु से चूल्हे के पास, मैंने कहा इसको थोड़ा सा तपाला। और अभी मैंने तवा चढ़ा दिया है गैस पे, सब्जी मैंने उतार दी है जो कि बन गई है, उसमें मैंने धनिया भी डाल दिया था कट करके। और तो अभी मैं थोड़ी सी जल्दी हुई पड़ी है, रोटियां बना लेती हूँ यीशु के लिए। और ये देखें हमारी अम्मी सी सब्जी बन के रेडी है, और इसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, नेक्स्ट डे ही बनाई थी, फिर टाइम नहीं मिला उसके बाद। कल वीडियो स्टार्ट किया था लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई, ऐसे ही बस कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे तो बस बिजी हो गए ऐसे ही। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10:30-11 हो गए, और मैं नहा ली हूँ, आज संडे है, और आज सूखा सिंदूर लगाया, देखिए मुझे सूखा सिंदूर बहुत अच्छा लगता है मतलब मांग में भरना, और लेकिन ना ये फिर उतर भी जाता है मतलब ये पल्लू सर पे लेते हैं ना तो फिर हट जाता है ये, तो इसलिए। लेकिन आज गिले बाल थे ना, मैंने कहा सूखा ही लगाते हैं, और वैसे भी आज व्रत है चौथ माता का, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज बहुत सारा सिंदूर लगाते हैं मांग में, ताकि हमारे पति देव की उम्र बहुत लंबी हो जाए। तो अभी कहानी सुनेंगे, मम्मी जी पड़ोस में गए हुए हैं किसी को सुनाने के लिए कहानी, बच्चे घर पे ही हैं, सब नहा लिए हैं आज, तो यीशु भी नहा लिया, नहीं तो संडे के दिन नहाता नहीं है वो लड़का। और रोटी खाना वाना तो मतलब ज़्यादा रगड़ा है नहीं आज बनाने का, क्योंकि ताऊ जी और यीशु के लिए बनानी है, तो सब्जी रखी हुई है, चटनी रखी है, सब्जी रखी है, बस रोटियाँ ही बनाऊँगी इन दोनों के लिए। हम तो शाम को ही खाएंगे चांद देवता को देख करके, अर्घ देख करके, तो शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं, अभी पूरा दिन पड़ा है सोच लेंगे उसके लिए। तो आज मैं मार्केट जाने का भी सोच रही थी, क्योंकि एक तो ना आईब्रो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, मैंने कहा चलो बनवाए आते हैं, बहुत गंदी लग रही हैं, और
थोड़ा सा और भी काम है मुझे मार्केट में, तो मैंने कहा छुट्टी है तो आज निपटा जाते हैं ये काम। तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, और वो लोग कल से स्टार्ट है और कंटिन्यू कर नहीं पाए क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे, तो इसलिए। तो चलो जी अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम, तो आप बने रहिए व्लॉग में, ठीक है। वो रेड कलर की साड़ी पहनी मैंने, रेड कलर की साड़ी पहन ली। तो चलो फिर अभी दूध चढ़ा के आती हूँ चूल्हे पे, क्योंकि सब लोगों ने पानी ले लिया है गर्म, चूल्हा खाली हो रखा है, तो दूध गर्म चढ़ा देती हूँ। इतने मम्मी जी आ जाएंगी, फिर कहानी सुनेंगे, उसके बाद चाय पानी पियेंगे, और उसके बाद खाना, खाना क्या, रोटी बनाऊंगी, बस रोटी बना दूंगी इनके लिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैं चाय पीने बैठ गई हूँ। कहानी वगैरह हमने सुन ली है, और हम लोग कप में चाय नहीं पीते हैं, व्रत करते हैं तब गिलास में ही पीते हैं। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, आप भी पी लीजिए। और ये हो गया शाम का टाइम, यहाँ पे ये सो देख रहा है टीवी। और मैं करूँगी दूसरे रूम में मेरा थोड़ा सा काम, कपड़े वगैरह का। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, हो नहीं पा रहा था। वही है ना, हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो पहले से ही प्लान बनाते हैं वो नहीं होता है फिर बाद में। जो काम अपने टाइम पे जो होना होता है तभी होता है। तो ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि ये काम करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज टाइम मिला है इसके लिए मुझे। तो ये साड़ियाँ मैं अलग अलग कर रही थी, गर्मियों की अलग, सर्दियों की अलग, क्योंकि कोई पतले कपड़े में है, कोई मोटे कपड़े में है। तो मैंने कहा जो मोटे कपड़े में है वो अभी सर्दियों में पहन लेते हैं, और फिर गर्मियों में तो फिर चलती रहती हैं सब सबको ही, मतलब पतली भी पहनी जाएंगी सर्दियों में ना, सर्दी लगती है पतली साड़ियों में, तो इसलिए। तो इनको मैं अलग अलग करके रख देऊँगी, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और फिर ये भी है ना कि बहुत सारी साड़ियां हैं, तो फिर है ना अलमारी में जो नीचे दबी रह जाती है साड़ी, और जो नीचे वाले निकालने होते हैं तो ऊपर वाली सारी साड़ियों की सेटिंग बिगड़ जाती है, तो इसलिए। तो इनको मैं अलग अलग करके और रख देती हूँ, तो पहनने में फिर दिक्कत नहीं होएगी। निकालेंगे जो भी चाहिएगी, आराम से निकल जाएगी और पहन लेंगे। और ब्लाउज इनके अलग अलग करके रख दूँगी। और इस अलमारी में मेरे ही कपड़े रखे हुए हैं सारे, जो भी कपड़े हैं मेरे ही रखे हैं। यीशु के अलग हैं, और यीशु के पापा के तो थोड़े बहुत ही हैं इधर, वो तो अपने साथ ही रखते हैं, बाकी कपड़े आएंगे तब लाएंगे। और क्या बोलते हैं, बस अभी मैंने सेटिंग कर दी है मेरी साड़ी वगैरह की। तो ये ब्लाउज हैं, ये भी मैं देख लेती हूँ, अलग अलग कर दूँगी इनको भी, क्योंकि जो वही है उन साड़ियों के हिसाब से ही लगाऊंगी इनको भी। तो बस यही था आज के व्लॉग में, आज छोटा ही व्लॉग बनाया है। तो जी आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।